गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश की क्लास में पोयम पढ़ी थी अ ट्रू सत्याग्रही। ठीक, इस पोयम को हम लोगों ने समझा था और साथ में हम लोगों ने ये वाला काम किया था। ठीक, तो आज अपनी कॉपी निकाल लीजिए। आज हम लोग हार्ड वर्ड्स और उनके मीनिंग्स लिखेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ठीक है, देखिए अ ट्रू सत्याग्रही, यहाँ चैप्टर का नाम लिख लेंगे। आप मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, आप अपना वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। एनलाइटेंड मतलब आलोकित, एनल्स मतलब इतिहास, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव, रिवैम्प मतलब सुधार, ब्लडलेस रेवोल्यूशन मतलब रक्तहीन क्रांति। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कॉन्क्यूरर्स मतलब जीतने वाला, प्लंडर्स मतलब लूट, वेवर्ड मतलब स्वच्छंद, अल्टीमेट मतलब अंतिम, स्वॉर्ड मतलब तलवार, नॉन मतलब यश। ठीक, ये हम लोगों ने वर्ड मीनिंग और मतलब कि हार्ड वर्ड और उनके मीनिंग हमने लिखे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहला है डैश डैश है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड द ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो देखो द थॉट वॉज बिहाइंड इट टू शो द ब्रिटिश द पावर ऑफ अहिंसा एंड अचीव फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंस। ठीक है, उन्होंने पावर अपनी अहिंसा की दिखाई और बोला बिना वो मतलब कि वायलेंस की हम लोग अपनी पावर दिखा सकते हैं। ठीक, अगला व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। द रिजल्ट वॉज दैट इंडिया गेन्ड हर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। ब्रिटिश से हम लोग को स्वतंत्रता मिली। ठीक है, हिज मैसेज टू अस इज सिंपल एंड क्लियर। अब ये था नेक्स्ट वाला। चलो क्वेश्चन आप बुक में से देख के लिखेंगे बेटा और आंसर मैं बता रहा हूँ। वॉट इज द मैसेज। द मैसेज इज दैट वी शुड बी यूनाइटेड एज इंडियंस and not discriminate against one another on the basis of caste and creed. ठीक, next who is us? Us refers to all Indians. ठीक है, ये वाला हो गया। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन which weapons did गांधी जी यूज टू विन अ वॉर। गांधी जी यूज द वेपन ऑफ अहिंसा एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, गांधी जी ने ये वाला इस्तेमाल किया ना अपना, कि ना मैं तलवार उठाऊंगा और ना मैं किसी को मारूंगा। हाउ डिड गांधी जी लीव हिज इम्प्रिंट ऑन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। ही लेफ्ट हिज इम्प्रिंट ऑन हिस्ट्री बिकॉज ही वन द वॉर इंडियाज फ्रीडम विदाउट फायरिंग अ गन और यूजिंग अ सॉर्ड। बिना गन चलाए और बिना तलवार चलाए उन्होंने आज़ादी प्राप्त की। नेक्स्ट व्हाट डू यू थिंक गांधी जी वुड सेट स्ट्रेट हैड अ लिफ्ट टूडे। गांधी जी वुड हैव सेट स्ट्रेट ऑल करप्ट लीडर्स। ठीक है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर आप नोट कर लीजिए और हम लोग इसके आगे का काम करते हैं बेटा। चलिए अब चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर ये देखो, इसको हमें फिल करना है ना। ब्रिटिश बर्थ टू 2 अक्टूबर 1869, डेथ 30 जनवरी 1948। हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट। बॉर्न एज मोहनदास करमचंद गांधी, यहां लिख लेंगे मोहनदास करम चंद गांधी इन पोरबंदर। गुजरात लीड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। थ्रोन आउट ऑफ अ ट्रेन। उनको ट्रेन से पता है एक बार क्या हुआ कि वो अफ्रीका में थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर के ट्रेन में बैठे तो उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। कारण क्योंकि वो
वाइट नहीं थे, वो ब्रिटिश नहीं थे, ब्रिटिशर नहीं थे, इस वजह से हमको उस डिब्बे से बाहर निकाल के फेंक दिया गया। ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1913, ठीक। फिर अरेस्टेड इन 1930 फॉर लीडिंग द डांडी मार्च। हो गया, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ये हमारी पोयम कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पोयम, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।